नमस्कार, मैं आपका दोस्त अर्पित दुबे आज आप लोगों के लिए डाइस के बहुत अच्छे सवाल लेकर के आया हूं। बहुत से विद्यार्थियों ने बताया कि सर इस टाइप का सवाल आप थोड़ा बता दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। बड़ी समस्या होती है कि जब प्रश्न आपका आता है डाइस का और उसमें प्रश्नवाचक लग करके आ जाए। पहले तो डाइस का प्रश्न एक समस्या, फिर उसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा, ये बड़ी समस्या। दोनों समस्याओं का अंत आज करते हैं। बस आप करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत आराम से आप समझिएगा और उम्मीद है, ठीक है, और विश्वास है, ठीक है, कि आपको बातें जरूर समझ में आएंगी। चलिए, यहां पर मैंने एक प्रश्न लिखा है। मैं आपको डाइस के लगभग 2 से 3 प्रश्न कराऊंगा इसी टाइप के और हर प्रश्न में कुछ ना कुछ अंतर दिखेगा आपको और आप समझिएगा। चलिए आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। यहां पर 3 मैंने डाइस बनाए हुए हैं, 4 आपके पास ऑप्शन लिखे हैं यहां पर, ABCD ये आपके विकल्प हैं यहां पर। इन्हीं विकल्प में आपको कोई ना कोई एक आंसर आपको मिलेगा। विकल्प ए में आपका एफ लिखा है, बी में सी लिखा गया है। अब आप करना क्या है इस प्रश्न को हल करने के लिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं इन प्रश्नों को अपने अपने तरीके से हल करके और प्रश्न को गलत कर देते हैं। लेकिन आज आप कोशिश करिएगा समझने की और कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो आपसे गलत नहीं होगा। चलिए आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आप ये देखिएगा कि जिस प्रश्न में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है, तो हमने देखा प्रश्नवाचक का चिन्ह ये लगा है आपका यहां पर। जिस पासे में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है उसके साथ दिए गए 2, अब यहां पर अक्षर लिखे हैं, अंक भी हो सकते हैं, उसके साथ दिए गए 2 अक्षर क्या किसी और पासे में आपको दिख रहे हैं? तो आपने देखा कि हमारे पास यहां पर ए और डी है और ए और डी हमें पासा नंबर 1 में भी दिख रहा है। ये मैं मान लो पासा की संख्या दे देता हूं 1, 2 और ये आपका क्या हो जाएगा 3। आपने देखा कि प्रश्नवाचक के साथ ए और डी है और ए और डी हमारा यहां भी दिख रहा है। अब आपको क्या करना है इस प्रश्न को हल करने के लिए, प्रश्नवाचक को आप छोड़ दीजिएगा। प्रश्नवाचक क्या है उससे मतलब नहीं है, उसके साथ देखिए ए और डी आपको दिख रहा है, तो आप क्या करिएगा, या तो ए से डी पर पहुंचिएगा और या डी से ए पर पहुंचिएगा, ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या तरीका अपनाते हैं। तो चलिए हम यहां पर ए से डी पर पहुंच रहे हैं, तो हमने लिखा ए से डी तक। ए से कहां पर जाना है हमें, डी तक। अब देखिएगा, ए से जब आप डी तक जाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि बीच में कुछ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ए से डी तक जाएंगे तो प्रश्नवाचक मिलेगा। ए से आप डी तक जाइएगा तो देखिएगा, हम ए से यहां पर डी तक गए तो ये क्रम कैसा कहलाता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इतना हमें पता है कि ये जब इस दिशा से इस दिशा में जाएगा तो ये जो क्रम कहलाएगा वो आपका कहलाएगा क्या भैया, एंटी क्लॉकवाइज। सेम काम आप क्या करिएगा, यहां भी आप ए से लिख दीजिएगा और डी तक लिख दीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा ए से डी तक पहुंचने में कोई दूसरा तत्व नहीं टकराना चाहिए। तो हम यहां भी ए से डी तक गए और जब हम ए से डी तक जा रहे हैं तो हमने क्रम देखा यहां पर कैसा है भैया, एंटी क्लॉकवाइज। अगर प्रश्नवाचक के साथ दिए गए 2 जो भी अक्षर है या अंक है उनका क्रम और जहां पर हमें वैसे ही 2 मिल रहे हैं उनका क्रम बिल्कुल एक जैसा मिल जाए, जैसे आप देख रहे हो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, अगर एक जैसा मिल जाए तो जो यहां पर होगा वही यहां प्रश्नवाचक की जगह आपका आ जाएगा। तो यहां पर आपने देखा एफ है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, एफ। इसका मतलब आंसर हमारा सही हो जाएगा आपका क्या भैया, ये आपका, ये टाइप 1 है। फिर समझ लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं आपको करना क्या है। दिए गए 4 जो भी पासे जितने उसमें प्रश्नवाचक के साथ आप ये देखिएगा कि जो भी 2 चीजें लिखी हैं क्या वैसी ही 2 चीजें कहीं और लिखी हैं। तो आपने देखा ए और डी लिखा तो आपने देखा यहां भी ए और डी लिखा है। आप ए से डी तक पहुंच सकते हैं या डी से ए तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैं यहां पर ए से डी तक गया तो ए से जब डी तक गया तो मैंने देखा ये एंटी क्लॉकवाइज है और मैं यहां पर भी यही काम किया, ए से डी तक गया तो यहां भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब दोनों का क्रम क्या है, सेम हो गया। अगर दोनों का क्रम सेम हो जाए तो जो इस पासे में तीसरा दिख रहा होगा वही प्रश्नवाचक की जगह आपका आएगा, ये टाइप 1 है आपका। चलिएगा, इस प्रश्न को थोड़ा हम चेंज कर देंगे। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर ऐसा होता तो ऐसा वाला भी प्रश्न हम लोग समझते हैं। चलिए आइए उसको देख लेते हैं हम लोग।
चलिए यहां पर प्रश्न मैंने आपका सेकंड लिख दिया है, दूसरा प्रश्न। अब देखिए पिछले वाले प्रश्न और इस वाले प्रश्न में आपको अंतर क्या दिखेगा मैं आपको बताता हूं। प्रश्न को फिर देखिएगा, आपने देखा प्रश्नवाचक का चिन्ह ये लगा हुआ है और प्रश्नवाचक के साथ क्या लगा है भैया आपका तीन और चार, ठीक है। बस आपको करना क्या है ये देखना है कि जो ये तीन और चार ये लिखा है क्या ऐसे ही दो अंक कहीं और दिख रहे हैं। तो आपने जब नजर करी पासे इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें जब आपने किया तो देखा तीन और चार दिख रहा है। तो आपको करना क्या है बस देखिएगा, या तो आप तीन से चार तक जाइए और या चार से तीन तक जाइए, ये आप पर निर्भर करता है। चलिए मैं यहां से तीन से चार तक गया तो मैंने लिखा तीन से और चार तक। और अभी मैंने एक बात आपको बताई थी कि जब आप एक अंक से दूसरे अंक तक जाएंगे तो कोई भी बीच में टकराना नहीं चाहिए। आप अगर इस तरीके से जाएंगे तो बीच में कुछ ना कुछ तो टकरा जाएगा, आप इस तरीके से जाएंगे तो आपको कुछ नहीं टकराएगा। तो आपने किया क्या, तीन से जब आप चार तक गए तो ये क्रम आपका कैसा हो गया भैया, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज ही तो होता है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, तीन के साथ से लिख लीजिएगा और चार के साथ तक लिख लीजिएगा, क्योंकि आपने तीन से चार तक ही तो गए हो। बस ध्यान क्या रखना है, तीन से चार तक जाना है, कुछ बीच में नहीं टकराना है। अच्छा ये तो शायरी बन गई, तीन से चार तक जाना है और कुछ नहीं टकराना है। चलिए आइए देखते हैं, तीन से चार तक आप गए तो बीच में अगर इस तरीके से आप आते हो तो भाई साहब दो टकराएगा, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं करना आपको। तीन से चार तक जब आप आओगे तो भैया ये क्रम कैसा कहलाता है, छोटे छोटे बच्चे बता देंगे, बहुआ टाइप चीज है, ये क्रम कैसा कहलाता है भैया, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप एक चीज देख रहे होंगे जो अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर ऐसा होता तो ये ऐसा का ही जवाब है। पिछले वाले में क्या था कि इधर से भी एंटी क्लॉकवाइज था, उधर से भी एंटी क्लॉकवाइज था, तो क्रम सेम था। इस बार क्या हुआ है आपका, देखिएगा ये तो भैया क्लॉकवाइज है और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब दोनों चीजें एक दूसरे से अलग हो गई। अब क्या करना है देखो कितना आसान, अगर क्रम दोनों के एक जैसे हो तो आपका वही अंक हो जाएगा जो इसमें बचा होगा, लेकिन अगर दोनों के क्रम क्या हो बदल जाएं तो क्या करेंगे, जो यहां पर बचा है, यहां पर क्या बचा है भैया दो बचा है, इस दो का अपोजिट यहां पर लिखा जाएगा, अर्थात दो का जो भी विपरीत निकलेगा वो यहां पर लिखा जाएगा। अब समस्या फंस गई कि सर जी अब विपरीत का तो आपने बताया ही नहीं है, तो बताया तो है, आप वीडियो देख लीजिएगा एक पड़ी हुई है अपोजिट निकालने वाली। चलिए मैं फिर बता देता हूं यहां पर, अब मुझे दो का विपरीत पता लगाना, तो एक काम क्या करना है, जिसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा उसको छोड़ दीजिएगा, इसकी मदद मत लीजिएगा। हमारे पास ये दो पासे हैं, इनसे हम दो का विपरीत निकाल सकते हैं, और कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा। आपने देखा इन दोनों पासों में कॉमन क्या है, तो कॉमन है भैया आपका क्या चार, जो कॉमन है उसको लिख लीजिएगा, चार लिखा, चार के बाद जैसे आपका मन करे आप ऐसे भी घूम सकते हैं एंटी क्लॉक और ऐसे भी घूम सकते हैं क्लॉकवाइज। चलिए मैं क्लॉक घूम जाता हूं, तो चार के बाद मैंने क्या लिखा छह और छह के बाद क्या आएगा एक। अच्छा कॉमन क्या था चार, तो चार के नीचे क्या लिखा भैया मैंने चार। उसके बाद देखिएगा यहां पर क्लॉक जैसे इसको घुमाया वैसे इसको घुमाएंगे, इसको क्लॉक घुमाया था तो इसको चार के बाद क्या आएगा भैया तीन, और तीन के बाद क्या आएगा भैया यहां पर दो। तो देखिए अपोजिट कैसे हमें पता लगे, एक का अपोजिट निकला दो, छह का अपोजिट निकला तीन, और चार का अपोजिट जो इसमें दिख नहीं रहा वो क्या होगा पांच। मतलब हम सभी का विपरीत तो निकाल चुके हैं, अभी हमने आपसे क्या कहा था यहां पर जो रखा जाएगा वो दो का क्या होगा अपोजिट। अच्छा है दो का अपोजिट निकला क्या है भैया एक, तो यहां पर क्या रख दिया जाएगा आपका एक। आ गई बात समझ में, और एक भैया ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका सी। तो एक जैसे ही प्रश्न के दो टाइप, ये मैंने आपको समझाए। अब आपके मन में और भी ख्याल आ रहे होंगे कि अगर सर ऐसा होता तो, अगर सर ऐसा होता कि जवाब भी आपको मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अभी आप इन दोनों सवालों की प्रैक्टिस करिएगा, बाद बाकी आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हुए हैं और आप लोगों के लिए जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। बस आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा,
अगर आप ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं इंडिविजुअल रीजनिंग का, बैच चल रहे हैं आपके, सुबह से शाम तक बैच चलते हैं, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप कोई भी सुझाव देना चाहें, कोई भी जानकारी लेना चाहें, तो आप संपर्क कर सकते हैं। और लास्ट में जो हमेशा बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं, आप लोग यूं ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।